नाज़रीन फैसला आ चुका है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस वक्त देख रहे हैं आपके वकला की जानिब से मुबारकबादें एक दूसरे को दी जा रही हैं और वकला जो है बड़ी खुशी का इस वक्त इजहार कर रहे हैं। तोशाखाना केस जो इस वक्त स्टे अब लिया जा चुका है, क्रिमिनल पिटीशन पड़ा है वो वाला और ये अलाउ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने नबी के सदके अपने रहम करम के सदके हमारी भी कोई आवाज़ सुनी। सो प्लीज इंशाल्लाह कानून की बाला दस्ती होगी और अगर हम ये इंडिपेंडेंट फोरम क्या तो देख लेना इंशाल्लाह ताला। टेक्निकली सर बता लें कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो हमारे हक दिफा ख़त्म हो गया था वो ऑर्डर सेटिसाइड हो गया है। जो 74 में हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की हुई थी कि ये ज्यूरिसडिक्शन का पहले फैसला होना है वो भी अलाउ हो गया है। नेक्स्ट वीक के लिए है, अभी डिटेल ऑर्डर आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी सर प्रोसेस क्या होगा आगे? ये तबाब पाकिस्तानी कौम को इस बात में मुबारकबाद देना चाहते हैं, ये सब खुशी के आंसू हैं या और? थैंक यू सो वेरी मच, रियली एक्साइटेड जी। नईम साहब थोड़ा सा बताइएगा आगे फिर प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा डिले होगा या क्या होगा? नहीं डिले नहीं, आज ऑर्डर नहीं हो सकता लेकिन देखिए ऑर्डर हो गया। अब यहां पर जो फैसला जो है वो 3 बजे ये कहा गया था कि फैसले के लिए महफूज कर लिया जाएगा। एक मिनट सर, तो वो फैसला जो है वो महफूज नहीं किया जाएगा बल्कि खान साहब को बाकायदा तौर पर गवाह जो है पेश करने का जो है वो मौका दिया गया है और खान साहब अपने गवाहों की जो लिस्ट दोबारा जमा करवाएंगे और उसके ऊपर एविडेंस जो है वो करवाएंगे और जो जो वो गवाह पेश करेंगे उसके ऊपर बिल्कुल जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी जो दिफा है वो बाकायदा तौर पर अपना मौकफ जो है वो शहादत जो है वो पेश कर सकेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो बैंक का रिकॉर्ड होगा, जो टैक्स का जो एक्सपर्ट है और जो जो हमने गवाह मंगवाए और भी जितने जो हमने गवाह इसके अलावा मंगवाने थे तो हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हक की फतह। हम यही कह रहे थे कि हमें जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा। आपने देख लिया है कि हाई कोर्ट ने भी जो है वो फैसला कर दिया है और आज जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था इसके ऊपर जो ऑर्डर आया था उसको जो है वो उन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल गलत था। ये खान जी बिल्कुल जी कह रहे थे उनको मुबारकबाद मुबारकबाद पाकिस्तान को। एक चीज करना चाहता हूँ, नहीं जज साहब से लड़ना झगड़ना हमारी माजरत है, हमारा माजरत है, हमारे जज साहब के नहीं, वो हम करते रहते हैं वो अलग बात है। थैंक यू सो वेरी मच। अभी बात कर रहे हैं जी जी, मिठाई मिठाई नहीं मिठाइयां 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 इंशाल्लाह मिठाइयां मिठाइयां। आपने देख लिया है कि हम जितने देर जहां ट्रायल कोर्ट में केस पेंडिंग चलता रहा हमने जज साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैटर पेंडिंग है बिफोर द एपेक्स कोर्ट भी पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी पेंडिंग था। आपको पता है ज्यूरिसडिक्शन का मैटर और ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन का मैटर, जो जज साहब से ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन थी और जो डिक्लाइन की हमारी लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो आज उन्होंने कर दी। हालांकि डिफेंस विटनेसेस को हमने अपने जो 342 का बयान है उस बयान के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेरे कंसल्टेंट और मेरे जो थे अकाउंटेंट उन्होंने मेरी ये तैयार की हैं सारी जो मेरी टैक्स की चीज़ें थी, उस चीज़ को डिक्लाइन करना इतना हरीज और वरीज में हमारी जी। आज भी मैंने जो बात की अभी आप लोग उधर मौजूद थे कि इतना हरीज और वरीज में ट्रायल क्यों चला रहे हैं? आप देखें कि हमने जो चीज़ मांगी है, डिफेंस के विटनेसेस हैं, डिफेंस में विटनेस हम पेश करना चाहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ से अलाउ हो गए हैं। अब देखें हम वो अपने विटनेसेस भी पेश करेंगे और जो जो ऑर्डर हैं आपको वाज़ह तौर पर बता देंगे। और इस कोर्ट से हमें ये तकलीफ़ हुई कि इस ट्रायल को इतनी इस तरीके से चलाना हमारे लिए मुनासिब नहीं था। हमने बार बार की कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और हमेशा चेयरमैन पीटीआई ने आइन की बालादस्ती किया और जज साहब को मैंने कहा कि आप इंडिपेंडेंट सोच रखें, किसी प्रेशर में ना आए, आज़ाद अदलिया के साथ हम जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो, बग़ैर खौफ के कोई फैसला सुनाए, फेयर ट्रायल का मौका दें। और इससे पहले जी इलेक्शन कमीशन की मैं बात करना चाहता हूँ। इस इलेक्शन कमीशन को देखो कि 75 साल में जितने गिफ्ट लिए गए हैं, खाकान अब्बासी साहब सामने कह गया कि मैंने 50 गिफ्ट वहाँ से ले गए, BMW गाड़ियाँ लेके जरदारी साहब चले गए, मरियम नवाज़ साहब क्या क्या चीज़ें लेके चली गई, और उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसको अपने असास्ते में इंग्लैंड में उसको अपनी जायदाद से उसके जमायमा से चीज़ें पैसे मिलते हैं तो वो वहाँ जाके छोड़ आता है, जो एक साइन करता है तो उसकी वैल्यू उसको मिलती है। और हमें पता है कि इसके पीछे क्या ड्रामा है और जो चीज़ चाह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रहे थे कि जी हमने ये करना है, कौम बड़ी एजुकेट होगी कि एक दफ़ा हमने इमरान खान को डिसक्वालीफाई कराएं और बराबर करें। लेकिन यकीन करें कि जो हालात जा रहे हैं आप देखें, लोग ये खुद परेशान हैं, दो पार्टियां बना के भी जो दो पार्टियां बनाई हैं
इस्तेहकाम पाकिस्तान और जो परवेज़ खटक साहब ने उसको पता चल गया कि इनके साथ भी वोट कोई नहीं है। ये राउंड रियलिटी इनको पता है। इमरान खान 75% अपने बयान 75% से ज़्यादा वोट ले रहे हैं और उनको पता है कि ये आएगा तो ये सबका एहतसाब करेगा। देखिए एक चीज़ है कि क्योंकि 5 पटिशन्स थी, वो 5 पटिशन्स का फैसला आ रहा है। हम देखिए फैसला पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी ये लगा है कि उन्होंने स्टे कर दिया और ये कहा है कि डिफेंस के जो विटनेसेस हैं उनको अलाउ कर दिया है। अगर वो भी देर से अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो ठीक है, हम अपने डिफेंस के विटनेसेस पेश करेंगे। अगर यही कोर्ट है फैसला पढ़ने दें कि जज साहब ने सिर्फ इसी पर फैसला किया, सारे फैसले कर दिए हैं। ठीक है, हाँ यहाँ ये देख लेते हैं ना सारा कुछ देख।